इत्तिलाआत मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मगर वो नहीं थका और रोज मैंने आपको याद है पिछली प्रेस टॉक में एक ऑडियो लीक्स आई थी जिसमें वो साइफर के साथ खेलने की स्ट्रेटजी थी कि इसके साथ खेलो लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लेना। उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ये एक जनाटेदार थप्पड़ है इमरान खान साहब के हकीकी आजादी के बयानिए पे और जिसकी गूंज हर रोज आती है लेकिन इमरान खान साहब के कानों तक नहीं जाती। और आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो लोग इनकी बात सुनते हैं ये फायदा उठाता है और इसने समझ लिया है इमरान खान साहब ने कि जितने लोग मेरी बात सुनते हैं वो बेवकूफ हैं। ये बेवकूफ झूठ से बनाता भी है, ये ऐसे ये खेल खेल कर, उस पर मैं आती हूं, ये खेल खेल कर लोगों को बेवकूफ बनाता है, ये चालें चलकर लोगों को बेवकूफ बनाता है। ये एक झूठा मुनाफिक फॉरेन एजेंट शख्स जिसने पूरे मुल्क में 4 साल मईशत के साथ खेला, रोजगार के साथ खेला, कश्मीर के साथ खेला, मुल्क के अंदर फॉरेन पॉलिसी के साथ खेला, हर चीज इसके लिए मुल्क और मुल्क की अवाम की तकदीर इमरान खान साहब के लिए एक खेल है। और 2018 में इक्तदार में आने के लिए भी वोट ट्रेडिंग की गई आरटीएस को बिठाकर, फिर एक शानदार खेल खेला गया जिससे मुल्क की तरक्की, मुल्क का रोजगार, मुल्क के अंदर महंगाई, मुल्क के अंदर अफरा तफरी, मुल्क के अंदर अदम बर्दाश्त, पूरा मुल्क का माशरा तबाह कर दिया, माशरे का चेहरा तबाह कर दिया। उस वक्त 2018 में पूरी दुनिया को मुल्क को पूरी दुनिया में रुसवा किया और कहा कि पूरे का पूरा पाकिस्तान करप्ट है। और आज जब इक्तदार की कुर्सी हिल गई, जब इक्तदार खत्म हो गया, तो उस वक्त पूरी दुनिया में 22 करोड़ अवाम एटमी कुवत का मुल्क पूरी दुनिया में क्या मैसेज दे रहा है वो फितना, वो झूठा शख्स, वो चालबाज के पूरा मुल्क गुलाम है। एक और ऑडियो और एक और थप्पड़ सिर्फ महसूस होने की बात है। अगर जिस शख्स के अंदर शर्म ना हो, जिस शख्स को यह एहसास ना हो कि उसकी मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज किस तरह मुल्क की मफाद और मुल्क की सलामती और पूरी दुनिया में मुल्क की इज्जत के ऊपर किस तरह हर्फ आता है, उसको कोई सरोकार नहीं। उसको सरोकार उसकी हवस अपनी अना से लेकर अपने इक्तदार पर, अना से शुरू होती है और इक्तदार के ऊपर खत्म होती है। मकसद सिर्फ एक ही है, वो कुर्सी जो अनफिनिश्ड टास्क थे, मुल्क की मईशत तो तबाह कर दी, नौजवान का रोजगार तो छीन लिया, कश्मीर का सौदा तो कर दिया, मुल्क के अंदर अफरा तफरी और माशरे की जो इखलाकियात थी उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन और जो जेबें भरी गई, जो डाके डाले गए, मुल्क के माले गनीमत को लूटा गया, मुल्क की बिजली हो, आटा हो, चीनी हो, एलएनजी हो, गैस हो, किसी जगह के ऊपर कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अभी मजीद अनफिनिश्ड टास्क हैं क्योंकि फॉरेन एजेंट के मकासद तो कुछ और थे। बकौल इनके मुल्क को खुदा ना खास्ता 4 टुकड़ों में तकसीम तो करना था, वो तो अभी हुआ नहीं था। मुल्क को दिवालिया करना था, श्रीलंका बनाना था, बिल्कुल करीब पहुंच गए थे अपने हदफ के, लेकिन वो तो हुआ नहीं। वो तो ऐसा अनफिनिश टास्क है। और फिर कश्मीर के ऊपर जो सौदा कर लिया वो तो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो अभी तो बड़े अनफिनिश टास्क थे। जमीन के टुकड़े जो हड़प करने थे अभी तो मजीद बाकी थे, हीरे की अंगूठियां जो लेनी थी अभी तो वो और बाकी थी, तोशाखाना की घड़ियों के ऊपर मजीद जो डाके डालने थे अभी तो वो बाकी थे, मुल्क की मईशत को मजीद तबाह करना था अभी तो वो अनफिनिश टास्क मौजूद था। तो फिर ये क्या हो गया? तो इक्तदार गया तो मुल्क के साथ दुश्मनी शुरू हो चुकी है। करते क्या हैं कि 2018 का इलेक्शन वोट ट्रेडिंग आरटीएस को बिठाकर, सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त, केपीके के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त, बलोचिस्तान के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त, अपनी पार्टी के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त,
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब पता चल गया तो कहते हैं मैं पांच एमएनए खरीद चुका हूं, मैंने पांच एमएनए खरीद लिए हैं। आज जो जलसे में बोल रहे थे तो एक ये ऐलान भी होना चाहिए था इमरान खान साहब कि हॉर्स ट्रेडिंग अब शिर्क नहीं है, अब सवाब है आपके मुताबिक। ये क्यों नहीं किया आपने ऐलान? क्योंकि उससे पहले तो ऐलान आते थे कि हॉर्स ट्रेडिंग जो करता है वो शिर्क करता है, ये इमरान खान साहब कहते थे। लेकिन आज का ऑडियो लीक्स का जो थप्पड़ है वो इस बात का सबूत है कि बकौल इमरान खान साहब के शिर्क हुआ है, और वो शिर्क इमरान खान साहब ने खुद किया है। और वो लोग जो बेवकूफ बनते हैं, जो कहते हैं खान बड़ा ईमानदार है, ये उसके साथ जो लोग हैं वो बेईमान और चोर और डाकू हैं, इमरान बड़ा मासूम है। इन ऑडियो लीक्स, और हम पहले भी कहते थे कि इन तमाम चीजों का मास्टरमाइंड इमरान खान खुद है, और इन ऑडियो लीक्स में साइफर के साथ खेलना है। कमरे के अंदर क्या कि साइफर के साथ खेलना है, कमरे के बाहर हकीकी आजादी और अमरीकी साजिश हो गई है। और कमरे के अंदर के अमरीका का नाम नहीं लेना, कमरे के अंदर मैंने पांच एमएनए खरीद लिए हैं और बाहर हॉर्स ट्रेडिंग शिर्क है। ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो इमरान खान की बात सुनते हैं। और आप जो मर्जी करें, आपको इख्तियार है अपने राइट का, अपनी सोच का, लेकिन ये सवालात आप अपने आप से जरूर पूछें कि इन ऑडियो लीक्स के अंदर जो हकायक सामने आए हैं वो हकायक क्या कहते हैं। और ये भी मैं कहती चलूं, आज तक जितनी ऑडियो लीक्स आई हैं, चाहे जिसमें अरसलान बेटा इनको गद्दारी के साथ लिंक करना है क्योंकि मेरी बेटी फरा गोगी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, तो ना वो डिनाई हुई, जिसमें दो कैरेट की हीरा नहीं पांच कैरेट का हीरा चाहिए बुशरा बीबी को, ना वो डिनाई हुआ। शौकत तरीन ने केपीके के फाइनेंस मिनिस्टर और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर को मुल्क को दिवालिया करने की चाल लड़ाई गई, ना वो डिनाई हुई। साइफर के साथ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बार अमरीकी साजिश हो गई है, वो ऑडियो डिनाई नहीं की। आज जो ऑडियो आई है हॉर्स ट्रेडिंग की, जिसमें इनके मुताबिक शिर्क है, वो भी ऑडियो डिनाई नहीं की। और चीजें तो डिनाई करते रहे हैं, मैं वहां नहीं जाना चाहती, लेकिन आज तक वो लोग जो इनसे बेवकूफ बनते हैं, जो इनकी बातों में आते हैं, जो हल्फ, जो अपने हल्फ की, अपने मनसब की, वजीर आजम की कुर्सी का गद्दार है उसके हल्फ का, वो दूसरों से हल्फ लेकर किस बात का हल्फ ले रहा है, किस चीज का हल्फ ले रहा है? एमएनए मैंने पांच खरीद लिए हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त ऐसी मछलियां तालाब को गंदा करती हैं, ऐसी मछलियां। और अभी क्या कह रहे हैं कि अगर हमने हॉर्स ट्रेडिंग की होती, अगर हमने वोट खरीदे होते तो खान जीत जाता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये जो बेशरम लोग ये बातें कर रहे हैं, जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इस ऑडियो लीक्स इस बात का सबूत है कि लोग नहीं बिके। पांच एमएनए मैंने खरीद लिए हैं, ये एतराफ है। साइफर से खेलना है, मिनट्स बदलने हैं, चालें चलनी हैं, ये एतराफ है जिसको इमरान खान ने डिनाई नहीं किया। खैरात का पैसा अपनी पार्टी में इस्तेमाल किया, अपने जाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन का फैसला आज तक इमरान खान ने कहीं चैलेंज नहीं किया कि मैंने खैरात के पैसे, इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासत में लगाए, अपनी मनफी सियासत में और रियासत के साथ खेल खेलने में। आज तक इलेक्शन कमीशन का फैसला कहीं भी चैलेंज नहीं किया, कहीं भी डिनाई नहीं किया। फिर उसके बाद जो शख्स कहता है कि गुलाम पूरी दुनिया में आज क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान, हम ये सारे जो लोग हैं ये गुलाम हैं, ये सब जो हैं वो गुलाम हैं, गुलाम हैं। जो शख्स अपनी ख्वाहिश का, अपनी अना का, चंद हीरों का, चंद जमीन के टुकड़ों का, खैरात के पैसों का, जो इक्तदार का, जो अपनी कुर्सी के इक्तदार और हवस का गुलाम हो, वो 22 करोड़ आवाम को कह रहे हैं कि ये सारे गुलाम हैं। यार कोई तो शर्म करे इमरान खान साहब।
कोई तो एहसास करें कि अपनी बातें देखें, अपने झूठ देखें, अपने खेल देखें, अपनी चालें देखें और दूसरों को कहते हैं गुलाम है और फिर कहते हैं हकीकी आजादी। हकीकी आजादी साइफर और मुल्की मफादात को दाव पर लगाकर ली जाती है। हकीकी आजादी मुल्क को दिवालिया बनाकर ली जाती है। हकीकी आजादी चालें चल के ली जाती है। हकीकी आजादी 5 MNA, ये तो अभी ऑडियो 5 MNAs की आई है, अभी वो जो मैंने पहले गिनवाए इलेक्शन उनकी नहीं आई। 5 MNA और खरीदो फरोख्त, अगर किसी ने सियासत में मंडी लगाई है तो उसका नाम इमरान खान है। अगर किसी ने अपने मनसब अपने हल्फ के साथ गद्दारी की है उसका नाम इमरान खान है। अगर किसी ने खैरात के पैसे को सियासत के लिए इस्तेमाल किया उसका नाम इमरान खान है। अगर किसी ने मुल्क के अंदर अपनी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को इख्तियारात को इस्तेमाल करके अपनी सियासी मुखालफीन के साथ सियासी इंतकाम लिया तो उसका नाम इमरान खान है। एहतसाब की बात करते हो, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल ताकतवर कानून के नीचे आएगा जिस दिन अपने अमालों पर इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, उस दिन इस मुल्क के अंदर इंसाफ बराबर होगा। जिस दिन फरा गोगी और बुशरा बीबी जेल के अंदर होंगी और हिसाब देंगी अपने अमालों का, उस दिन ताकतवर कानून के नीचे आएगा और इंशाल्लाह आएगा। उस दिन मुल्क के अंदर इंसाफ बराबर होगा। तो गुलाम जो है पहले अपने आप को अपनी चोरी अपने डाके अपने झूठ अपने इकतदार के हवस से आजादी दिलवाएं, पहले खुद हल्फ लें कि मैं अपने मुल्क के साथ ये हल्फ लेता हूं कि मैं अपने मुल्क के साथ जो साजिशें जो खेल खेले जो चालें चली अपने इकतदार को इस्तेमाल करके अपने इकतदार को इस्तेमाल करके अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके मैं उसकी माफी मांगता हूं। पहले ये हल्फ लें उसके बाद आप आवाम से हल्फ लें। और फिर कहते हैं कि जब मेरा दौर था। झूठ कितना बोलते हैं ये शख्स, और ये मैं उन लोगों को कह रही हूं जो इनकी बातें सुनते हैं और वेरीफाई करें जो मैं बातें कह रही हूं। कहते हैं कि मैं मेरे दौर में तरक्की थी, मेरे दौर में खुशहाली थी। इमरान खान साहब 2018 अभी दूर की बात नहीं है। आपकी अपनी जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने वो रिलीज हुआ था 2018 में, और वो लोग इनसे पूछें आपके दौर में खुशहाली थी, आपके दौर में 2% महंगाई जो खाने की चीजों की थी 2% वो 20% पर गई, आपके दौर में तरक्की की शरह 6.3% से मनफी 1% पर गई, आपके दौर में 35 रुपए का आटा 100 रुपए पे गया, आपके दौर में 52 रुपए की चीनी जो नवाज शरीफ के दौर की थी वो 120 रुपए किलो पर गई, आपके दौर में खाने जो घी था घी 140 रुपए से 540 रुपए के ऊपर गया, आपके दौर में 200 रुपए का यूनिट बिजली का जो 200 रुपए यूनिट पंजाब में हमने बिजली फ्री की थी, आपके 2018 के बाद जो आपका दौर था उसमें 9 रुपए का यूनिट 24 रुपए पर गया था, गैस का 600 का यूनिट 1600 पे गया था। और कहते हो किसानों को सबसे ज्यादा पैसा मैंने दिया, जो खाद की बोरी जिसको DAP कहते हैं वो 2400 से 10,000 रुपए पर गई थी। ये आवाम भूली नहीं है। तुम यहां तकरीरें करो और तकरीरें करके तुम आवाम को बेवकूफ बनाओ। 50 लाख लोग बेरोजगार हुए थे, 1 करोड़ नौकरी भी नहीं मिली, 50 लाख घर भी नहीं मिला, 90 दिन में करप्शन भी नहीं खत्म हुई, बल्कि पाकिस्तान की जड़ों में और बुनियादों में आपने करप्शन के वो बीज बोए जो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। वो तमाम जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो आपके दौर की जो करप्शन है उसकी वजह से मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, और सब कुछ एडमिट किया, कोई चीज अभी तक डिनाई नहीं की। और फिर कहते हैं जरा ऑडियो लगाएं, ये जो ये ऑडियो बड़ी आपने गौर से सुननी है और चैनल्स के मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने ऑडियोज दिखानी है, प्लीज दिखाएं जी। बकरियों की तरह पहली दफा पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने आप को बेचना शुरू किया, ये नवाज शरीफ ने शुरू किया। वफाकी वजीर इत्तिलाआत मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी।
इमरान खान ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर शदीद नुकसान पहुंचाया। इमरान खान को मुल्क से कोई सरोकार नहीं, इसको अपनी अना अजीज है। वफाकी वजीर इत्तिलाआत मरियम औरंगजेब न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे दे के आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे दे के आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे दे के आपको, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे, आप हमेशा के लिए आप अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे, आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। लोग बाशऊर हैं, आप ये छांगा बांगा के दिन चले गए हैं, लोगों ने आपको माफ नहीं करना। ये जो तकरीर फरमा रहे थे काले चश्मे पहन के, जो समझते हैं सारी आवाम ने भी काले चश्मे पहने हुए हैं, और ये समझते हैं सारी आवाम को, 22 करोड़ आवाम को, जीती जागती आवाम को ये काले चश्मे पहनकर बेवकूफ बना लेंगे, चालें चलकर बेवकूफ बना लेंगे, खेल खेल कर बेवकूफ बना लेंगे, तो ये वो वक्त नहीं है। और ये वो शख्स है जो कहता है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो, अगर खरीदा जाए तो वो शिर्क होता है। तो आज क्या हुआ है, कौन है मुशरिक? मैं नहीं कहना चाहती, इमरान खान साहब कहते हैं ये बात, जो खुद बिकाऊ माल हो, जो खुद बिकता हो इक्तदार के नाम पर, जो खुद बिकता हो कुर्सी के नाम पर, जो खुद बिकता हो हीरों के नाम पर, जो खुद बिकता हो घड़ियों और अंगूठियों के नाम पर, जो खुद बिकता हो चंद टुकड़ों के जमीन के नाम पर, वो क्या बातें कर रहा है कि कौन बिकाऊ माल है। और दूसरी बात कि ये वो शख्स है, ये वो शख्स है, अल्लाह माफ करे, कि जो शैतानी चालें चलकर और शैतानी खेल खेल कर मदीना की रियासत बनाने के दावे करता था। ये वो शख्स है, ये वो शैतानी चालें हैं जो मुल्क के खिलाफ की गई, ये वो शैतानी चालें, ये वो शख्स है जो अल्लाह माफ करे अमर बिल मारूफ का नाम लेकर पीछे कमरों में बैठकर ये साजिशें, ये खरीदो फरोख्त, ये मंडियां लगा रहा था, जो मुल्क के साथ ये खेल खेल रहा था। मैं जातियात में नहीं जाना चाहती कि मदीना की रियासत में कैसा शख्स होना चाहिए और वो उसको क्या करना चाहिए, मैं जाती तो बात में करना ही नहीं चाहती, लेकिन जो इनका अपना मेयार है सियासत का, ये शैतानी चालें चलकर कहता है कि 22 करोड़ अवाम गुलाम, और कमरे के अंदर क्या कहते हैं कि 5 MNA मैंने खरीद लिया, 5 और कर दो तो 10 हो जाएंगे, और मैंने अभी चालें चलनी है, मैंने अभी खेल खेलना। उसके बाद अभी अभी तकरीर फरमा रहे थे कि शाहीन जो होता है वो उस जैसे अमाल होने चाहिए, जो गुलाम होते हैं वो अमाल नहीं होने चाहिए। तो फिर इमरान खान साहब अपने अमालों के बारे में क्या ख्याल है? और फिर आजादी, हल्फ, हकीकी आजादी, गुलामी, और पीछे क्या अमेरिका का नाम नहीं लेना, खेल खेलना, चालें चलनी है, 5 बंदे हैं, और गलत की फिक्र ना करो, सही और गलत की, आपको पता है गलत होता क्या है, आपको पता है झूठ होता क्या है। फिर एक चीज मैं जरूर आज कहना चाहती हूं, आज बड़ी बातें की और फिर दोबारा से कि मरियम बीबी, मरियम बीबी आपकी तो आपने झूठ बोला। अदालत का फैसला पहली बात है मेरिट पे आया है। अदालत में जज हजरात की आवाज गूंजती रही कि हमें किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक उन फ्लैट्स के साथ दिखा दें। नैब ने कहा हमारे पास कोई दस्तावेज, कोई सबूत मौजूद नहीं है किसी किस्म का। कहता है पैनामा में आया था, फिर झूठ बोलता है। पैनामा में ना नवाज शरीफ का नाम था और ना मरियम नवाज शरीफ का नाम था, और अगर पैनामा में नाम होता तो पैनामा अकामा ना बनता। अगर किसी ने इस मुल्क की 75 साल तारीख में
अगर किसी सियासी लीडर ने अपने 40 साल का हिसाब दिया, अपने मरहूम बाप का हिसाब दिया, अपने सियासी जुल्म का हिसाब दिया और सियासी इंतकाम जो उनके ऊपर हुआ उसका हिसाब दिया और रोजाना की बुनियाद के ऊपर एहतसाब के आगे और अदालत के आगे पेश हुआ और कानून के आगे पेश हुआ, उसका नाम नवाज शरीफ है। तुम्हारी तरह जहां इल्जाम लगे वहां से भाग जाओ, वो भगोड़ा जो हर अदालत से भागता है, हर कानून से भागता है, जहां इल्जाम साबित हो जाता है वहां झूठ बोलता है और कानून के आगे पेश नहीं होता, वो उस शख्स का नाम इमरान खान है। नवाज शरीफ ने 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम, 3 दफा इस मुल्क के ऊपर अल्लाह ताला ने उनको हुकूमत करने की अपॉर्चुनिटी दी, 1 रुपए की, 1 पैसे की करप्शन तुम साबित नहीं कर सके। 4 साल रियासत भी पास, नैब का चेयरमैन भी पास, FIA भी पास, कभी जिसको मतलब मैं कैसी बात आपको मैं क्या कहूं, FIA के चेयरमैन को बुलाते हैं वो बात नहीं मानता, बाथरूम में बंद कर देते। तैयबा गुल वीडियो लेकर आती है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, उस वीडियो को इस्तेमाल करके उस नैब चेयरमैन को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बजाय उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बंद कर देते हो। ये शख्स है, इसकी असलियत, ये इसका असल चेहरा है और बातें करता है मरियम नवाज की। मरियम नवाज अगर कोई खातून, अगर कोई सियासी लीडर, अगर कोई पॉलिटिशियन इस मुल्क के अंदर 75 साल तारीख में पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से पहले पूरा हिसाब दिया है, जिसने सुर्खरू हुई है, सजाए मौत की चक्की में रखा गया, सेल में, डेथ सेल में रखा गया, जहां नमाज पढ़े कि बाथरूम जाए उसके दरमियान में कोई भी सेपरेशन नहीं थी, आपके जुल्म का निशाना बनी, एक एक आपका इल्जाम उसके आगे डटकर खड़ी हुई, हिसाब दिया कानून के आगे, अदालतों के आगे, उनकी बात करते हो? बात करो बुशरा बीबी की, बात करो फरा गोगी की, बात करो उस आटा चीनी बिजली गैस दवाई की, बात करो उस 500 कनाल की, बात करो उस अलकादिर ट्रस्ट की, बात करो उस खैरात के पैसे की जिसको तुमने आज तक ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन गलत कह रहा है, मैं इसको चैलेंज करता हूं। इसलिए ये दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले ये जो तमाम लोग हैं जो इनकी बात सुनते हैं, जो ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक झूठा फ्रॉड शख्स है, मुनाफिक शख्स है, एक साजिशी शख्स है, एक खलंडरा है, एक चालबाज है, उसकी ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। पूछे ना सवाल इनसे, आपके साथ बैठते होंगे इनके सारे लोग, पूछे ये किस किस्म की ऑडियो लीक्स आ रही है, पूछे ये क्यों खेल खेला गया, ये क्यों चालें घड़ी गई। ये इसलिए घड़ी गई क्योंकि एक शख्स अपने इक्तदार का गुलाम है, अपनी कुर्सी का गुलाम है, अपनी अना और हवस का गुलाम है। जी नवीद अकबर साहब, पार्टी के लोग कह रहे हैं ये शायद मुस्लिम लीग का सेल है जो बना रहा है, इस तरह की वो इल्जाम लगा रहे हैं आपकी पार्टी के, हकीकत क्या है? देखिये इल्जाम तो वो लगाने के बगैर उसकी सियासत ही खत्म हो जाएगी। आज मैं किसी किराए के तर्जुमान की बात सुन रही थी, इसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, जो कह रहे थे हमें पता है ये ऑडियोज कहाँ बन रही हैं। तो अगर हमें पता है ये ऑडियोज कहाँ बन रही हैं तो बता दें ये ऑडियोज कहाँ बन रही हैं। ये क्या कभी XYZ, कभी अदारों पे हमला, कभी अदारों के ऊपर जुगतबाजी, कभी अदारों के अंदर तफरीक, कभी अदारों के अंदर तकसीम, कभी जानवर, कभी न्यूट्रल, कभी मीर जाफर, कभी मतलब ये क्या तमाशा है? तुम इतने बड़े हकीकी आजादी के अलम बरदार हो, झूठे साजिशी शख्स, तो बात करो ना। बात इसलिए नहीं करते क्योंकि पता है कि बंद कमरों में मुल्क के साथ खेल खेला है, मुल्क की तकदीर के साथ खेला है, अवाम की 22 करोड़ अवाम की तकदीर के साथ खेल खेला है, चालें चली हैं बगैर किसी गलत और सही की तफरीक के। मैंने ये बताइए कि 2018 के इलेक्शन का RTS का जिक्र, जब से इलेक्शन हुआ तब से हम सुन रहे हैं, जब आप लोग अपोजिशन में थे तो जो इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई अभी तक क्यों इनिशिएट की या कोई इरादा है करने का? देखें सबसे पहले ये कि अगर हमने सियासी इंतकाम लेना होता ना, और अगर हमने वही करना होता जो 4 साल इसने मुल्क के साथ, और सियासी मुखालिफ हमारा बदतरीन सियासी मुखालिफ है, ये बदतरीन सियासी मुखालिफ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये बदतरीन सियासी मुखालिफ नहीं है, ये इस मुल्क का बदतरीन मुखालिफ और दुश्मन है।
जो इनकी तमाम बातें और अमाल सामने आ रहे हैं। अगर हमने करना होता तो जिस दिन, और अगर हमने ये जो सो कॉल्ड ये इल्जाम लगाते हैं, अगर हम इस तरह आए होते हैं, हम पार्लियामेंट की ताकत से आए हैं, हम अवाम के वोट से आए हैं, हम आईनी तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से इस फितने से पाकिस्तान को निजात दिलाने आए, जो मुल्क को दिवालिया बना रहा था, जो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा था, जो मुल्क के खिलाफ चालें चल रहा था। खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, ये खुद कह रहे हैं कि मैं चालें चलूंगा, गलत हो या सही हो इसकी फिक्र ना करें। तो ऐसे शख्स को हम अगले दिन जेल डाल सकते थे, क्योंकि हमारे साथ तो इसने सियासी जुल्म किया हुआ था। लेकिन कानून जो गलत करेगा, जो चोरी करेगा, जो मुल्क का पैसा लूटेगा, जो डाके डालेगा, जो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेगा, जो अपने मनसब की, अपनी कुर्सी का नाजायज इस्तेमाल करेगा, वो कानून के कटहरे में खुद आएगा। और वो आपको, आप देख रहे हैं कि किस तरह FIA के अंदर इनके अमालात खुल रहे हैं। लेकिन हम शहजाद अकबर जैसी नौटंकियां नहीं कर सकते कि रोज बैठ के एक पटारी रख लो, एक चार चार्ट लगा दो और कहो कि ये सारे चोर हैं। आज चोर भी ये, डाकू भी ये, फॉरेन एजेंट भी ये, साजिशी भी ये, चालबाज भी ये, झूठे भी ये, और उसके बाद मुल्क की तकदीर के साथ खेलने वाले भी ये। जुनेद साहब, दुनिया न्यूज़। वालेकुम सलाम। कल प्राइम मिनिस्टर ने क्लेम किया कि ये जो ऑडियोस हैं वो ठोस शवाहिद हैं उनकी तरफ से जो पेश किए गए, तो क्या इन ठोस शवाहिद को लेकर ये जो GIT तहकीकात हो रही है उसमें वो गवाही के साथ पेश हों? ठोस कौन पेश होंगे? प्राइम मिनिस्टर। देखिये, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिसका नाम है, जिस शख्स पे इसने इल्जाम लगाए, आज भी अपने जलसे में खड़े होकर ये उनके बारे में बात करा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तीन दफा वजीर आला रहे, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से पंजाब की, जिन्होंने तरक्की, पंजाब के लोगों के साथ जो इस वक्त ना इंसाफी हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हाल है लॉ एंड ऑर्डर का, वहां कल असातिज़ा जो थे वो सड़कों पे अपनी तनख्वाह मांग रहे थे, उनको ये हकीकी आजादी वाले पत्थर मार रहे थे, उनके सर फाड़ रहे थे, उन पे लाठी चार्ज कर रहे थे। तो ये जो लोग हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में बातें करते हैं। शहबाज शरीफ आज वजीर आजम है ना, अपोजिशन लीडर था, वजीर आला था, कानून के आगे पेश होता था। एक तरफ आप देखें, वो लोग हैं जिन पे ये इल्जाम लगाते हैं, वो हर कानून के अंदर, हर अदालत के अंदर पेश होते हैं। एक तरफ ये शख्स है जो खुद भी खुद चोर है, खुद झूठा है, खुद साजिशी है, किसी अदालत, किसी कानून के आगे पेश नहीं हो सकता। इसलिए कल वो पेश भी होंगे, और उन्होंने अपने तमाम अदवार का हिसाब दिया, चाहे वो आशियाना हो, साफ पानी हो, गंदा नाला हो, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हो, जो जो घटिया इल्जाम इन्होंने लगाए, चाहे उसमें मुल्क बदनाम हो रहा हो, सूबे की तरक्की रुक रही हो, मेट्रो पे इल्जाम लगाया, ऑरेंज ट्रेन पर इल्जाम लगाया, जिस जिस जगह पे इल्जाम, इनको ये एहसास भी नहीं हुआ कि ये मनसूबे अवाम के हैं। और वो भी आज चार साल गुजरने के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की अदालत ने उनको सुरखरू किया। इधर जितनी बेल्स हुई उन सब में सुरखरू हुए, हिसाब दिए, एक एक चीज का हिसाब दिया, एक एक पैसे का हिसाब दिया, एक रुपए की, एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई, और आज चीखे मारा जलसों में खड़े होकर दूसरों पर चोर का इल्जाम लगा रहे। तो पकड़ना था ना, चार साल तुम मुल्क के वजीर आजम थे, जैसे मैंने पहले कहा कि ताकत भी तुम्हारे पास, नैब का चेयरमैन भी तुम्हारे पास, FIA भी तुम्हारे पास, तुम्हारी कुर्सी भी तुम्हारे पास, तुम्हारी नीयत भी तुम्हारे पास, तुम्हारे झूठ भी तुम्हारे पास, तो पकड़ लेना था शहबाज शरीफ को। अब बातें ना करो। मैडम, सारे जवाब देखें, ठोस, आपने कहा ठोस एविडेंस, प्राइम मिनिस्टर ने कल क्लेम किया था कि ठोस शवाहिद, देखें ठोस शवाहिद लेकर के गवाही के साथ पेश, तमाम चीजें ठोस एविडेंस सब के साथ पेश भी होंगे। और अगर आप इंतजार कर लें, 5-10 के ऊपर मुशीर एहतसाब इरफान कादिर साहब जो हैं, वो एक मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो तमाम शवाहिद जो इस वक्त FIA ये जो रो रहे ना, पिट रहे हैं, पता नहीं कौन गिरफ्तार हो गया, कौन गिरफ्तार हो गया, सारे फॉरेन एजेंट गिरफ्तार हो गए, पहले खबर, ऐसे डरपोक हैं, पहले खबर चला देते हैं कि हम गिरफ्तार हो गए। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी गिरफ्तारी की खबर भी खुद चलाते हैं, उस पर भी तमाशा करते हैं, खेल खेल रहे हैं ना, चालें चल रहे हैं। सैफुल्ला नियाजी साहब आज हो गए, वो पता नहीं कराची से कोई साथ हो गए। तो ये तमाम चीजें अभी 5:10 पर इंशाल्लाह इरफान कादिर साहब आपको एक और ऐसे ऐसे एविडेंसेस हैं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह का खेल खेला गया, क्योंकि 2008 से लेकर 13 तक को तो हिसाब आ गया है, लेकिन 13 से आगे क्या कहानी है वो खेल आपको बताएंगे। मैडम, ये बताइएगा कि 6 माह
سے چھ ماہ کے دوران کافی آپ کے پاس مواد بھی آ گیا اپنے لوگوں کے حوالے سے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بشرا بی بی اون کے اور عمران خان کے حوالے سے تو کون سی ایسی قوتیں ہیں جو آپ کو ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روک رہی ہیں؟ آپ ان پہ کیوں پکا ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں؟ ہاتھ پکا ڈالنے کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ مت سمجھا جائے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں, یہ چوری کے, کرپشن کے, ڈکیتیوں کے مقدمات ہیں. اگر یہ سیاسی مقدمات ہوتے تو 14 اپریل کو یہ سارے گرفتار ہوتے جس وقت ہم گورنمنٹ میں آئے تھے. اور آپ ہر روز سوال کرتے تھے آپ لوگ پکڑتے کیوں نہیں ہیں, آپ لوگ یہ آ گیا سامنے, یہ آ گیا سامنے. تو آپ اب یہ عوام کو سمجھ لینا چاہیے جس کو عمران خان صاحب بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی مقدمات نہیں ہیں, یہ قانون کے مطابق جو جو چوریاں ڈکیتیاں ہوئی ہیں یہ تمام وہ کیسز ہیں, اور ان ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ان کو انشاءاللہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. جی خالد محمود صاحب. جی ثناء اللہ صاحب. آپ ہمیشہ دو سوال کرتے ہیں, ایک آج ایک کریں, چلے دو کریں سر, دو کریں. ایک تو آپ نے جاوید کے جو جواب میں کہا کہ پرائم منسٹر شواہد لے کے جائیں گے, آپ بھی وزارت اطلاعات میں بیٹھی ہیں 4 سال, یہاں بھی ان کی حکومت رہی ہے, تو 4 سال میں کوئی چیز دیکھی ہے ایسی جس پر کوئی کیس بنتا ہے؟ تو یہ بتا دیں. 6 مہینے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی تھیں.